Chief of the Army Staff, we present awards to officers, junior commissioned officers, and other ranks who have been decorated for gallantry and those who have distinguished themselves in service of the Army and nation. अब अलंकरण समारोह होगा. The Sena Medal is awarded in recognition of such individual acts of exceptional devotion to duty or courage as have special significance to the Army. Lieutenant Colonel Ravindra Kumar, 203 Army Aviation Squadron Utility Helicopters. Lieutenant Colonel Ravindra Kumar successfully carried out the rescue of an advanced light helicopter which had force landed at an advanced position in Siachen Glacier. For displaying exemplary act of valor, flying skills, grit and dedication, Lieutenant Colonel Ravindra Kumar is being awarded with Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel, now Colonel Ravindra Kumar. Major Harpreet Singh, 22 Rashtriya Rifles, Punjab Regiment, सितंबर 2018 को जम्मू और कश्मीर में कॉर्डन एंड सर्च के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए भागते हुए आतंकवादी को बेहद करीब रेंज से मार गिराया. इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर तो आज ताकत वतन की इनसे है. ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो 72वें सेना दिवस पर होने वाली परेड किस तरह से खास रही है वो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं और इस एडमिरल करम के जरिए दुनिया को एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराते हुए हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो यहां पर नजर आए. तो इस बार की जो परेड थी वो काफी जो है खास कई मायनों में. यहाँ पर तो दो तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं वो ऐतिहासिक पल जो यहाँ पर देखने को मिले. दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं. ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ आप देख रहे हैं कि 72वें सेना दिवस पर किस तरह की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है. जहाँ एक तरफ मकर संक्रांति का त्योहार तो दूसरी तरफ सेना दिवस को लेकर किस तरह से यहाँ पर विशेष तौर पर खास परेड निकाली जा रही है. सम्मानित जवानों को किया जा रहा है उनके काम को लेकर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर. तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं. सेना दिवस पर आर्मी के शौर्य प्रदर्शन की तस्वीरें हैं. मेजर चित्रेश बिष्ट 55 इंजीनियर्स रेजिमेंट 16 फरवरी 2019 को मेजर चित्रेश बिष्ट ने नियंत्रण रेखा पर लगाई गई आईडी को अपनी जान की परवाह न करते हुए निष्क्रिय कर दिया पर वे इस कार्रवाई में वीर गति को प्राप्त हुए. वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है. पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं उनके पिता श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट. श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट Captain Pratik Ranjan Gaukar, 42 Rashtriya Rifles, the Assam Regiment. In October 2018, Captain Pratik Ranjan Gaukar, during an operation conducted in Jammu and Kashmir, established an effective cordon and eliminated a fleeing terrorist at close quarters. For this act of exceptional leadership and unparalleled courage, Captain Pratik Ranjan Gaukar is being awarded Sena Medal Gallantry. Captain, now Major Pratik Ranjan Gaukar. Captain Ashish Gedeon Pardel, 3rd Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces. 18 October 2018 को नियंत्रण रेखा पर Captain Ashish Gedeon Pardel ने अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद अपनी जान की न परवाह करते हुए
एक आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन के लिए कैप्टन आशीष गेडियन पॉडेल को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन आशीष गेडियन पॉडेल। Captain Anil Kumar, 34 Rashtriya Rifles, signals. On 10th of July 2018, Captain Anil Kumar, while leading an operation in Jammu and Kashmir, laid an effective cordon, ensured evacuation of a grievously wounded junior commissioned officer, and eliminated a terrorist amidst heavy fire. For displaying grit and utter disregard to personal safety, Captain Anil Kumar is awarded with Sena Medal Gallantry. Captain Anil Kumar. Havaldar Shivram, 55 Rashtriya Rifles. और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आदनाइन टीवी पर, आपका मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आज 72वां सेना दिवस है, अदम्य साहस को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, तो अब एक बार फिर से देश की ताकत को दिखाने की कोशिश दुनिया को। ये बिल्कुल सही है कि देश को, देश की ताकत अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को और ऑफकोर्स दुनिया बेशक देखे, पर ये तो इन उन शहीदों की, उन बहादुर जवानों की याद में आर्मी डे मनाया जाता है, कोई कमेमोरेशन डे होता है, ताकि जो जो कि जिन्होंने पिछले 72 सालों में हमारे शहादत दी है देश के प्रति, उन बहादुर जवानों को याद करने के लिए और देश की मान गौरव और मान सम्मान बढ़ाने के लिए आर्मी डे मनाया जाता है। बिल्कुल, और ये कहीं ना दिवस इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा करते हुए बहुत से हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, अपनी कुर्बानी दे देते हैं देश को, किसी भी तरह से उसकी आन को कोई ठेस ना पहुंचे, तो ऐसे में आज के दिन उन जवानों को भी सम्मानित किया जाता है, और ऐसे में इस तरह की चीजों के जरिए सेना के जवानों की हौसला अफजाई भी। बिल्कुल, सेना के जवान, उनकी हौसला अफजाई होती है क्योंकि वो इतना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, यहाँ तक कि अपने ह्यूमन राइट्स की सेक्रीफाइस करते हैं, जो अपने उनके बेसिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की सेक्रीफाइस करके वो देश की रक्षा करते हैं और देश को बचाते हैं, इसलिए वो उनको सबसे ऊंचा स्थान भारत में दिया जाना चाहिए। उनकी शहादत का तभी एक एक ठीक तरीके से, जिसको कहते हैं हम मान सम्मान दे सकेंगे और उसको, भारत के अभिमान को ऊंचा कर सकेंगे। बिल्कुल, आप तो बेहद ही करीबी से इन तमाम चीजों को जानते होंगे प्रफुल्ल बख्शी जी। 72वां सेना दिवस है, 72 साल, इतने में आप, इतना जो समय यहाँ पर बीता है, कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए, बहुत बदल गया है, आधुनिकीकरण के साथ साथ चीज बदलती है, ये पता है, पर देश, हमारे जो फौज के जो ट्रेडिशन है और जो उनकी जो वैल्यूज है, सिस्टम है, वो बरकरार मेंटेन है। जो देश, जो हमारे जवान, इसीलिए दुनिया में सबसे मशहूर इंडियन आर्मी इसलिए मानी जाती है, वो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं फौजी हूँ और हिंदुस्तानी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाकई में ही फैक्ट है, सत्य है, और जितने भारत के आर्मी और भारत के फौजी अफसर हमारे साथ एक्सरसाइज कर चुके हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि ये ऐसी आर्मी उन्होंने कहीं नहीं देखी जो किस तरीके से लड़ाई के लिए सदा तैयार, देश के अभिमान सम्मान बचाने के लिए सदा तैयार और इसकी सैक्रिफाइस देते हैं जी, ये उनको समझ नहीं आती कैसे करते हैं जी।
बिल्कुल, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, यहाँ पर बहुत बदलाव 72 सालों में आया। हमारी सेना बेहद ही मजबूती के साथ जो है वो देश की आन शान में पूरी तरह से डटी हुई है, और लगातार जिस तरह से नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से भी जारी रहती है, उसका भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। लेकिन आपकी नजर में अभी और क्या लगता है कि कहीं कोई कमी या और किस तरह से मजबूती हमारे सेना के जवानों को, हमारी सेना को दी जा सकती है आपकी नजर में? नहीं, मेरी नजर में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अपने आधुनिकीकरण के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश को फौजी सामान बनाने में स्वावलंबिता हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं और वो एक किस्म से हमारे को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, हमको ये अब एक अभाव रह जाता है कि हमको अपनी ही चीज जब हमारे पास होगी, एक तो फौज का सम्मान नहीं बढ़ता, हौसला बढ़ता है, और दूसरी बात है कभी कमी नहीं आएगी जी, कि हमें अभाव नहीं होगा। ये जो चीजें बाहर से आती हैं, और हम इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो आपके जब अगर आप सामान बनाएंगे तो उसको बेचेंगे बाहर तो और आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, वो भी बात है। ये बात चीजें हैं, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई अभाव है और हमारे सैनिकों को किसी चीज की कमी है। कमी तो सिर्फ एक चीज की है कि उनको अपना शौर्य दिखाने का मौका और मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शौर्य दिखाने का और मौका यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी भी, क्योंकि वक्त वक्त पर ये मांग यहाँ पर होती है कि एक बार इशारा हो तो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन होता है, बार बार नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में फिराक में पाक यहाँ पर रहता है, उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को एक खुला यहाँ पर आजादी चाहती है सेना कि ताकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, इस तरह की नापाक हरकतों को रोका जा सके? यही तो मैं कह रहा हूँ जी, उनको और मौका मिलना चाहिए, यही चाहता है वो सैनिक, को देख रहा है कि किस तरीके से सीमाओं का उल्लंघन होता है, सीज फायर वायलेशन होती है, हमारे निहत्थे और बेचारे जो सिविलियंस हैं, हमारे नागरिक मारे जाते हैं और हम सिर्फ डिप्लोमेटिक कार्रवाई में कई बार उलझ जाते हैं। इसको हमारा सैनिक जो है इसको देख के रंजित होता है जी। उसको वो चाहता है कि एक बार में ही दुश्मन के देश के सारे दुश्मनों का नेस्ता नबूद कर दे। ये हमारे सैनिक का एक, जिसको कहता मनोभावना है, उस जिसको मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये डिप्लोमेसी के पीछे आप वजह क्या मानते हैं, और कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी जो है कहीं ना कहीं एक प्रभावित जरूर करती है उस हौसला अफजाई को, क्योंकि एक तरफ हौसला अफजाई होती है, सेना मजबूत है, दूसरी तरफ ये डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं रोकती है, इस डिप्लोमेसी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं प्रफुल्ल जी? डिप्लोमेसी के पीछे नॉन प्रोफेशनलिज्म मानता हूं जी, क्योंकि जब डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं जिसमें फौज और सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, उस डिप्लोमेटिक आंसर में फौजी अफसरान और फौजी लोगों को शामिल करना चाहिए वो डिसीजन लेने के समय। ये अंग्रेजों के समय कॉलोनियल आर्मी में डिफरेंट था उस समय, इस समय अब डिफरेंट है, ये देश की फौज है और देश की फौज के सबको उसके अंदर पूरा हक होना चाहिए और सिक्योरिटी एंगल के ऊपर फौज को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर तो इस पर ध्यान देना होगा, लेकिन इस पर क्या स्ट्रैटेजी रहती है आगे तो देखना होगा प्रफुल्ल जी। लेकिन इस बार की जो अगर 72वें सेना दिवस की अगर हम आज बात कर रहे हैं, बेहद ही खास परेड यहाँ पर इस बार इसलिए रही क्योंकि पहली बार एक महिला अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल ने पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व किया है, कहीं ना कहीं एक और आगे बढ़ती हुई हमारी सेना। बिल्कुल, हमारी जो नारी है वो अपना पूरा उचित योगदान दे रही है फौज में और देश की रक्षा में, उनको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, और जहां जहां भी वो मौका हो, जहां जहां भी वो उनको लगाया जा सकता है, हर जगह उनको लगाया जाए, उनको मौका दिया जाए, उनको उनका स्थान दिया जाए, क्योंकि जो ये नारी है उस जो इस तरीके से अपना उदाहरण पेश करेगी तो देश के जितने बाकी और जो महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे, युवक, उन सबको एक प्रोत्साहन देता है, तो इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है कि इसका एग्जाम्पल जो है, जो कैप्टन शेरगिल का एग्जाम्पल, उसको दें और सब लोगों को बताएं कि ये जारी कर सकती है तो बाकी क्यों नहीं कर सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी जुड़ने के लिए, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ साफ तौर पर जुड़े थे।